दोस्तों आप सभी का एके इंडिया यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले एसएससी जीडी एग्जाम 2018 के बारे में कि इसकी आंसर की कब तक आएगी, ऑब्जेक्शन राइज कैसे करना है, नॉर्मलाइजेशन की इसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है, सभी डिटेल्स आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ बताया जाएगा। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखते रहना है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना ज्यादा समय गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें एके इंडिया यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। और हमारे दूसरे चैनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलॉजी संबंधित खबरें मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो के ऑडियो वर्जन आप सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से सुन सकते हो और साथ ही साथ हमें फॉलो भी कर सकते हो। दोस्तों हम आए हुए हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहां से आप सभी को पूरी जानकारी, जैसा कि मैंने बताया, सभी जानकारी देने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं हमारे वीडियोस के नीचे और हमें व्हाट्सएप पे पूछे जाते हैं कि सर जी इसमें कितने कैंडिडेट यहां पर पास होंगे। ठीक है, मतलब कि एसएससी जीडी एग्जाम में अगर आपने एग्जाम दिया है तो फिजिकल में कितने कैंडिडेट यहां पर क्वालिफाई होंगे। सबसे बड़ी मुद्दा तो ये भी है कि इसके बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि कितने कैंडिडेट आने वाले हैं उसी के हिसाब से आपके कटअप भी यहां बनने वाली है। साथ ही साथ इसकी नॉर्मलाइजेशन आखिर कैसे होता है, आखिर नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन में, इसके बारे में भी बहुत सवाल आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कितने कैंडिडेट यहां पर पास होते हैं, उसके बाद मैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में, उसके बाद आप सभी को आंसर की के बारे में पूरी जानकारी यहां पर दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर आप सभी का कि आखिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या बताया जा रहा है इसके बारे में। यह है दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिस, जिसमें कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एआर एग्जामिनेशन 2018 के बारे में पूरी जानकारी यहां पर दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर आप सभी का कि यहां पर वैकेंसी जो है इनकी पहले कितनी थी, 54,000 के आसपास थी, लेकिन अब इसे कितना कर दिया गया है, ये 58,000 इसकी वैकेंसी जो है बढ़ा दी गई है। 4,000 के आसपास कुछ वैकेंसी यहाँ पर जो है बढ़ा दी गई थी, जिसके लिए मैंने एक वीडियोस भी आप लोगों को यहाँ पर बता दिया था। बात कर लेते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि पीईटी के बारे में, क्योंकि पीईटी के बारे में बहुत ही कैंडिडेट अभी भी कंफ्यूज्ड है क्या उनकी 5 किलोमीटर की रेस होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों यहां पर साफ साफ यहां पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में यहां बताया गया है कि रेस जो आपकी 5 किलोमीटर की होगी, जिसके लिए आपको 24 मिनट का समय दिया जाएगा, वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उनका 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट का समय दिया जाएगा। यह नॉर्मल रीजन से आने वाले कैंडिडेट के लिए है। अगर कोई कैंडिडेट अगर लद्दाख रीजन से यहां पर आते हैं तो उनके लिए फिजिकल कुछ और है, यहां रेस उनकी 1 माइल का होगा 6.5 मिनट के लिए, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर इन 4 मिनट में यहां पर होगा। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं, यहां पर फिजिकल उन लोगों के लिए भी नहीं है जहां पर आप देख सकते हो, यहां पर यहां अगर प्रेगनेंसी एट अ टाइम पीईटी विल बी कंसिडरेबल इन डिस्क्वालिफिकेशन एंड प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट शैल बी रिजेक्ट एट द स्टेज, यानी कि कोई भी अगर फीमेल कैंडिडेट अगर प्रेगनेंसी में वहां पर फिजिकल देने जाती है वो वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि आपको इससे दूर रहना है कि कोई अगर प्रेग्नेंट अगर फीमेल है तो वो फिजिकल देने ना जाए, क्योंकि वहां पर वो रिजेक्ट ही हो जाएगी, इससे अच्छा है कि वो ना ही जाए। उसके बाद दोस्तों यहां पर बताया जाए उनके पीईटी में उनकी रेस नहीं होगा, और उसके बाद फर्दर दे विल हैव टू क्वालिफाई द मेडिकल एग्जामिनेशन डीईएमई, यानी कि अगर वो अपने जो हाइट है, चेस्ट है और वेट में वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनके उनको सीधा जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वहां पर उनको बुला लिया जाएगा। तो दोस्तों ये था। उसके बाद अगर हाइट की बात करें यहां पीएसटी के लिए, क्योंकि रिटर्न के बाद आपकी पीएसटी होने वाली है, तो यहां जनरल कैंडिडेट से कोई मेल कैंडिडेट है उसका 170 हाइट होना चाहिए, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 हाइट होना चाहिए। उसके बाद यहां पर देख सकते हो रिलैक्सेशन दिया हुआ है, यहां पर यहां हाइट में रिलैक्सेशन भी यहां पर दिया जा रहा है। तो किस किस रीजन में क्या क्या दिया जा रहा है तो यहां पर आप देख सकते हो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो। अगर दोस्तों यहाँ चेस्ट की बात कर लेते हो तो चेस्ट में यहाँ पर आप सभी को जनरल एससी ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 80 होना चाहिए, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। वहीं साथ ही साथ फीमेल की बात करें तो फीमेल के यहाँ पर चेस्ट नहीं लिया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें भी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, अगर आप किस किस कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर आप सभी का यहाँ चेस्ट दिया जा रहा है 76, 78, 77, यानी कि मिनिमम आपका 76 होना चाहिए। अगर आप मिनिमम चेस्ट ऑफ मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से अगर आते हो, एसटी से आते हो, तो आपका 76 यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए। तो
तो दोस्तों यहाँ पर तो आपको इधर भी यहाँ रिलैक्सेशन मिल जाता है, हाइट में, चेस्ट में, सभी जगह यहाँ पर मिल जा रहा है। अगर दोस्तों यहाँ वेट की बात करते हैं तो अगर वेट भी आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेट भी जो है आपकी हाइट के प्रोपोर्शन होनी चाहिए, यानी कि जिस हिसाब से हाइट है उसी हिसाब से आपकी वेट होनी चाहिए। अगर ज़्यादा वेट होगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको फिजिकल में यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है, इसे आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है, चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट विल नॉट बी टेकन। हाँ, बताया आप सभी को कि यहाँ पर जो चेस्ट है फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ नहीं लिया जाता है। दोस्तों यहाँ मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में यहाँ पूरी जानकारी दिया जा रहा है और इसमें यह बताया जा रहा है कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपकी सीबीटी एग्जामिनेशन हुई थी। ठीक है, उसमें जो लड़के क्वालिफाई करेंगे वो आपके पीएसटी और पीईटी में जाएंगे। उसके बाद उनको डीएमई होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट मेडिकल जो होगा उनका वो होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ साथ होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर यहाँ साफ साफ इन्होंने बताया है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल हेल्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा जा रहा है द नंबर of candidates shortlisted for PET PST on the basis of merit in the computer based examination will be around 10 times of the number of vacancy. देखो दोस्तों यहां पर इन्होंने साफ-साफ कहा है कि यहां पर 10 times of vacancy आपको यहां पर जाने वाली है, यानी कि अभी 58,000 आसपास आपकी यहां पर वैकेंसी है। ठीक है, अभी जो बढ़ाई गई है। उसके बाद दोस्तों अगर 10 times की बात करें, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुल कितना होगा, 5,80,000 के आसपास ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट यहां पर शॉर्टलिस्टेड होने वाली है। यानी कि तकरीबन फ्रेंड्स यहां पर आप सभी को 30 लाख के आसपास कैंडिडेट ने यहां पर आपको एग्जाम में अपीयर किया था। जैसा कि आप सभी को पता होगा 30 लाख कैंडिडेट ने यहां एग्जाम में अपीयर किया था और 5 से 6 लाख, यानी कि 6 लाख कैंडिडेट अप्रॉक्स में अगर 6 लाख कैंडिडेट की बात करें तो 6 लाख कैंडिडेट यहाँ पर आप सभी को फिजिकल में यहाँ पर जाने वाले हैं। यानी कि चांसेस अच्छा है, कट ऑफ कम जाने वाली है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर कम कैंडिडेट यहाँ पर अपीयर किए थे, तो यानी कि कट ऑफ कम जाने वाली, कंपटीशन भी बहुत कम है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के लिए कि आखिर कट ऑफ क्या जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि सर कट ऑफ कितनी, 80 जाएगी, 95 जाएगी, कितनी जाएगी, बताओ कुछ। तो देखो यहाँ पर ऑफिशियली जो कट ऑफ यहाँ बताई जा रही है, द कट ऑफ मार्क्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर एलिजिबिलिटी टू सेलेक्शन विल बी एज अंडर। देखो जनरल एंड ईएक्स सर्विसमैन से है तो आपको 35% यहाँ नंबर चाहिए और एससी एसटी ओबीसी है तो आपको 33% नंबर चाहिए। बट रुको 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 रुको, यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा कि आपकी इस पर सिलेक्शन हो जाएगी, ये एक क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर आप 35% नंबर से भी कम लाते हो तो आप यहां पर एसएससी के जो जीडी के एग्जामिनेशन इसमें डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। अगर आप एससी एसटी ओबीसी से अगर 33% नंबर लाते हो, यानी कि आपको 33 नंबर आता है, तो आप यहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अगर 33 नंबर से कम होगा। ये एक पासिंग मार्क्स है जहां पर आप सभी को एसएससी जो द्वारा ये माना जाएगा कि अगर आप 33 नंबर और 35 नंबर लेकर के आए हो तो आप यहां पर पास हो। यानी कि अगर आपको मेरिट में आनी है तो मेरिट के लिए दोस्तों आप सभी को हायर मार्क्स लाना होगा, जैसे कि ऊपर से मेरिट बनाया जाए। यानी कि जिनका ज्यादा मार्क्स आया होगा, जिसका 95 आया होगा, उनकी सिलेक्शन पहले होगी और जिनकी 75 आया होगा उनकी सिलेक्शन बाद में होगी। तो इस आधार से आपको यहां पर मेरिट बनने वाली है। ये सिर्फ एक कट ऑफ मार्क्स, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बताया जा रहा है कि आप अगर इससे ज्यादा नंबर लाओगे तभी आप यहां पास माने जाओगे, इसे कम लाओगे तो आप एसएससी में फेल हो जाओगे। यानी कि आपको यह समझ के नहीं चलना है कि आपकी कट ऑफ 35 और 33 ही जाने वाली है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ, तो थोड़ा सा यहां समझने की जरूरत है। दोस्तों अगर आपने एसएससी का एग्जाम दिया होगा तो आपको बहुत ही डाउट होता होगा कि भैया ये चीज़ कैसे हो रहा है, वो चीज़ कैसे हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन कैसे करना, ऑब्जेक्शन कैसे करना है, रिजल्ट क्या सही दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। तो आपको किसी भी तरह का मन में डाउट है तो अगर आप जिस भी रीजन से आते हो उस रीजन पर आप डायरेक्टली इनको कॉल कर सकते हो। इन्होंने अपना कॉल नंबर भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है, या सिंपली आप इन्हें मेल करके भी इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ भी नीचे कुछ दिया जा रहा है, सीआरपीएफ के लिए हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर अलग से यहाँ पर बताया जा रहा है। तो सीआरपीएफ में अगर आप हेल्पलाइन नंबर इनका लेना चाहते तो यहाँ पर भी इनको कॉल करके अपनी जो भी आपकी मन में शंका हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, साथ ही साथ आप इन्हें भी कॉल करके पूछ सकते हो और ये आपको पूरी यहां पर मदद करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप एसएससी के एग्जाम कोई भी दो, एसएससी जीडी का दो, एसएससी सीएचएसएल का दो, एसएससी सीजीएल का दो, एसएससी सीपीओ का दो, किसी भी का एग्जाम दो, तो दोस्तों आपको यहां पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एसएससी के द्वारा, क्योंकि एसएससी साफ साफ कहती है कि अगर मल्टीपल शिफ्ट में अगर आपकी एग्जाम होती है तो आपको यहां नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और आपकी नॉर्मलाइजेशन जो है इस मेथड पर किया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि आखिर नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या कहा जा रहा है। अब देखो दोस्तों यहां पर आपको एसएससी द्वारा जो बताया जा रहा है कि रिसेंटली एसएससी हैज कंडक्टेड सेवरल एग्जाम इन द मल्टीपल शिफ्ट on different dates. Some of exam SSC selection post phase 6 2019 exam SSC stenographer grade C and D exam and soon will be the conducting SSC D exam 2019. For fair assessment and selection process SSC has announced the normalization method through official notification on the website. और SSC ने अपनी official website पे भी इसके बारे में बताया था कि हम भैया normalization करेंगे अगर जब हम एक दो shift से ज्यादा examination अगर हम किसी चीज के करवाते हैं तो हम उसमें normalization करेंगे। इन्होंने साफ साफ ऐसा कहा था। अब देखो दोस्तों अगर आपको
डाउनलोड करना है एग्जाम एनालिसिस, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। अब देखो भैया, यहाँ पर बताया जा रहा है एसएससी जीडी के नॉर्मलाइजेशन के लिए, यानी कि एसएससी में नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज ऑलरेडी डिसाइडेड टू नॉर्मलाइज द स्कोर ऑफ द कैंडिडेट फॉर द एग्जामिनेशन विच इज द कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट इन टेक इन टू अकाउंट एनी वेरिएशन ऑफ द डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन पेपर अक्रॉस द डिफरेंट शिफ्ट। अब देखो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन मल्टीपल शिफ्टों में हुआ है, यानी कि कई एक शिफ्टों में आपकी ये एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आपको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में ये होता है कि आपको तीन तरह के पेपर आती है, एक आता है इजी, दूसरा आता है मॉडरेट और तीसरा आता है टफ यानी कि हार्ड, ठीक है। अब देखो, जिनका इजी पेपर हुआ वो तो ज्यादा मार्क्स करेंगे, जिनका मॉडरेट यानी कि मिड बीच का एकदम पेपर गया है, ना ज्यादा टफ था ना ज्यादा इजी था, उनका एक तरह का पेपर होता है और एक हार्ड पेपर होता है जो कि बहुत ही कम लोग वहां पर अटेम्प्ट कर पाते हैं, यानी कि पूरे शिफ्ट के बच्चे का स्कोरिंग जो हो जाता है वो कम हो जाता है। और जिस शिफ्ट का अगर मान लिया जाता है कि स्कोरिंग जो है हाई जा रहा है, यानी कि उस शिफ्ट का एग्जाम जो है वो आपका इजी था, ठीक है। अब देखो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, इन तीनों को इक्वल करने के लिए क्या किया जाता है कि जो हार्ड था पेपर उसमें मार्क्स थोड़ा बढ़ा दिए जाते हैं और जो इजी था उनके मार्क्स को वहीं रोक दिया जाता है, और परसेंटेज एक परसेंटेज चांस होती है कि इसमें जो मार्क्स है नॉर्मलाइजेशन के बाद वो कम भी किया जाता है, और मॉडरेट वालों को ज़्यादा फायदा हो जाता है इसमें कि जिनकी पेपर मॉडरेट गया है उनके मार्क्स घटे या बढ़े उनको बढ़ना ही बढ़ना है, यहाँ पर मॉडरेट वाले की ये फायदा होता है। तो दोस्तों ये है आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस। अब बता दो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्शन राइज कर कैसे किया जाता है, अगर आपके आंसर की आती है तो आप कैसे उसको ऑब्जेक्शन यहाँ पर राइज कर सकते हो। देखो दोस्तों, अगर आपको ऑब्जेक्शन राइज करना है तो आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ लॉगिन के आपकी आइकन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, लॉगिन अपना यूजर नेम जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर हो, साथ ही साथ आपकी पासवर्ड यानी कि आपका जो पासवर्ड है एसएससी के लिए वो पासवर्ड आपको डाल करके यहाँ कैप्चा डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपने जो एग्जाम दिया है जिसके ऑब्जेक्शन राइज करना है यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन राइज करना है वहाँ पर ऑब्जेक्शन राइज कर देना है, और आपको हर एक ऑब्जेक्शन राइज के लिए आपको यहां पर 100 रुपये फी भी देना होगा। तो ये थोड़ी सी दूर रहने वाली बात है क्योंकि बहुत ही कम लोग करते हैं, बाकी वैसे जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है उसके बाद मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा कि आखिर ऑब्जेक्शन राइज करने के लिए क्या तरीका होता है और कैसे किया जाता है। अब देखो दोस्तों, आप बात कर लेते आंसर की के लिए जो सबसे मेन मुद्दा था कि आंसर की कब तक आएगी। अब देखो दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन का रिजल्ट के बारे में बताया गया कि 31 तारीख को आपको रिजल्ट आएगा अगले महीने में। अब उसके बाद दोस्तों, अब आंसर की कब आएगी, बहुत सारे बच्चे ये सवाल कर रहे हैं और बहुत सारे वीडियोस यहां पर बनाई जा रही है। अब देखो दोस्तों, मैंने शुरू में बताया था कि आपको जो है 22 से लेकर के 26 तारीख के बीच में, इसी महीने में 22 से लेकर 26 तारीख के बीच में आपको आंसर की यहां पर जारी कर दिया जाएगा। ये आपको लास्ट वीक तक जा सकती है, लास्ट डेट तक जा सकती है, यानी कि 30 तारीख तक ये डेट जा सकता है। ये ऑफिशियली खबर है, आप कहीं इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी वीडियो में पूरी जानकारी कि आखिर इसकी नॉर्मलाइजेशन कैसे होती है, ऑब्जेक्शन राइज कैसे किया जाता है और आंसर की कब तक आएगी। पूरी ऑफिशियल डिटेल्स के साथ आप सभी को पूरी जानकारी दी है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।